एबीपीएस न्यूज़ सच का साथी। आशा बहु कल्याण समिति द्वारा आशा संज्ञान का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन फिर से इको गार्डन में देखने को मिला। आशा बहु प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा दिए गए राहत की हमारी समिति को कोई राहत नहीं मिल पाई है। प्रदेश सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है और हमारी मांगों पूर्ण कर नहीं पा रही। हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम अपने बच्चे समेत मुख्यमंत्री आवास के सामने जन सैलाब और आत्मदाह करने में मजबूर होंगे। आशा बहु कल्याण समिति उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, हमारी मांगे थी तीन सूत्री। 29 अक्टूबर से धरना हमारा चल रहा था और 30 को हम लोगों ने मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए यहां से कूच किए थे, लेकिन बीच में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से यहां का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। और सरकार से मांग जो थी न वार्ता हुई न मांग पूरी हुई, इसलिए तब से हम लोगों का धरना उत्तर प्रदेश के हर जिले में चल रहा है और अनिश्चितकालीन हड़ताल। और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक काम नहीं किया जाएगा। अभी तो कुछ आशाएं कर रही थी, लेकिन आगे से आज के बाद उनका काम बिल्कुल बंद हो जाएगा जो सरकार द्वारा शासन ने दिया। सचिव जी मिले तो वहाँ से क्या आश्वासन दिया गया हुआ? मुख्य सचिव से वार्ता हुई तो उन्होंने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा जी ने वार्ता किया था। उस समय मैं तो हॉस्पिटल में थी, तबीयत खराब हो गई थी, तो वार्ता में उन्होंने ये कहा कि आपका मानदेय और वेतन नहीं होगा, आपकी इच्छा है आशा की नौकरी करिए या न करिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग हड़ताल करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कहें वो आपकी मर्जी है। तो ये भी बात उन्होंने रखा कि मुख्यमंत्री जी कहे थे कि हम जल्द ही आशाओं का वेतन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बात हम नहीं जानते क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। रही बात विभाग की, बात तो विभाग के तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग की वर्जी है हड़ताल करना तो आप स्वतंत्र हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों ने मुलाकात के लिए कुछ? स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के लिए पहले ही 11 अक्टूबर को मैंने लेटर दिया था। हमने मांग भी ये किया था कि हम लोगों का दीपावली में जो तोहफा है आप क्या दे रहे हैं। ये तो हुआ था 1 अक्टूबर से जो है मानदेय बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, मात्र 3 मद में पैसे बढ़े हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी की बात मानी जाए कि आप लोगों की बात मानी जाए, अब हम लोग काम नहीं करेंगे। हमें, हमारा मेन लक्ष्य है कि हमें जो कुछ मिलना है सारी प्रोत्साहन राशि हटा करके एक निश्चित मानदेय वेतन दिया जाए और कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर ये सब मांगे हमारी नहीं पूरी होती है तो हमें सरकार से मांग करते हैं कि एक स्पष्टीकरण देकर के आशा की नियुक्ति और संगनी की नियुक्ति समाप्त।